नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का YouTube चैनल योगा साथी पर, जहाँ पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग के ऊपर होने वाली है और आज आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू 5 डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिसेस बताऊंगा जो कि बहुत ही सिंपल एंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। और इन सभी प्रैक्टिस को हर एज कैटेगरी के प्रैक्टिशनर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, यंगस्टर हो या फिर ओल्ड एज के प्रैक्टिशनर हो, सभी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक अच्छा बेनिफिट पा सकते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि किस पोर्शन को हमें पुल करना चाहिए, किस पोर्शन को रिलैक्स करना चाहिए, कहाँ पे हमें बॉडी को फोल्ड करना है, कहाँ पे हमें अपने लेग्स को स्ट्रेट करना है। हर एक छोटी से छोटी जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। ध्यान से हर चीज़ को समझिएगा। और दोस्तों अगर आप इन 5 प्रैक्टिस को 5 से 7 दिन रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो आपकी फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड रेंज ऑफ मोशन है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी। आपको खुद महसूस होने लगेगा कि आपकी जो फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी है धीरे धीरे आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस। देखिए फर्स्ट प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, मैं साइड वे दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इस तरीके से खड़े होना है, हमें एक लेग को उठाना है और सीधा पीछे इसको 1 से 1.5 फीट, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 फीट, उससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लेना, ठीक है। इस तरीके से डिस्टेंस लेना है, बहुत ही सिंपल है। अपने दोनों हाथों को कमर के ऊपर इस तरीके से रखना है। हाथ को यहाँ पे रखने का मतलब ये है कि आपको शोल्डर को ऊपर की तरफ पुल करना है जब आप बैंड होंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कमर रखा। अब इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करना है, हमें स्पाइन को यहीं से ही स्ट्रेचिंग देने की कोशिश करना है। ये स्ट्रेचिंग किया, अब हल्के से पुश, हमने हिप्स को बाहर की तरफ ये पुश किया और लोअर बैक को अंदर की तरफ पुश किया, हिप्स बाहर की तरफ, लंबर हमारा ये वाला जो पोर्शन है लोअर बैक, इसको नीचे की तरफ हम इस तरीके से पुश किया और एक्सहेल करते हुए बैंड, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप नॉर्मल, एक्सेल डाउन। हाथों से भी पुल करना है। दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहला, जो टोज होंगे वो अंदर या फिर बाहर की तरफ ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, ये सिर्फ सीधा होना है। जिस तरफ आपकी चेस्ट है उस तरफ आपके टो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, पहला। दूसरा, हमारे नीज हल्के से भी फोल्ड नहीं हो। अगर आप बैंड होते समय हल्के से फोल्ड कर रहे हो तो गलत है, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग है सही तरीके से नहीं हो रही, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। आप भले ही यहाँ तक आइए, अगर यहाँ पर स्ट्रेच मिल रहा है, स्ट्रेच मिलेगा कहाँ, फ्रंट लेग के हैमस्ट्रिंग मसल्स पर, हमें यहाँ पे स्ट्रेच फील करना है। अगर आप यहीं पे स्ट्रेच फील कर रहे हैं तो यहीं रुकिए, कोई बात नहीं, लेकिन नीचे जाने के लिए अगर आप नी ये वाला या ये वाला फोल्ड कर लिया तो इसका रिजल्ट नहीं मिल सकता, ठीक है। लेग्स को आपको फिर्मली फिक्स ऑन द ग्राउंड, देन कीप योर बोथ लेग स्ट्रेट एंड प्लेस द पाम्स ऑन योर वेस्ट रीजन एंड स्ट्रेच योर स्पाइन अपसाइड, इनहेल एंड स्ट्रेच योर बॉडी अप, with the exhalation bend your body forward and keep your spine straight, don't make a hunch on your back, okay। आपको hunch नहीं बनाना, अगर hunch बना रहे हो तब भी आपका ये practice गलत है। अब bend होना है, ठीक है। अगर ये था beginners के लिए, अगर यहीं से आप थोड़ा bend हो सकते हैं तो आप नीचे इस तरीके से bend होइए। bend होते हुए भी hunch नहीं बनाना हमें, अगर hunch बना रहे हो गलत है। अगर आप हाथों को touch नहीं कर सकते इस तरीके से back को straight रखते हुए तो आप bricks को लीजिए। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे ही कीजिए, दोनों लेग स्ट्रेट होना कंपलसरी है। बैक ऐसे स्ट्रेट एंड स्ट्रेच रहेगा, लेग्स भी स्ट्रेट रहेंगे। अगर यहाँ पे आपका आसानी से हो जाता है तो यहाँ पे इस तरीके से रखने की कोशिश कीजिए और बैक को स्ट्रेच कर करके, बैक में हंच किसी भी कीमत पे नहीं बनाना। यहाँ पे भी हो जाता है तो पाम्स को इस तरीके से रखने की कोशिश कीजिए, अगर यहाँ पे भी हो जाता है तो इस तरीके से, और फाइनली इस पोजिशन में आना है आपको 10 सेकेंड मेंटेन करना है। 10 सेकेंड आपको राइट लेग से करना है, 10 सेकेंड आपको लेफ्ट लेग से। सेम चीज़ हमें इस पैर से भी, यहीं से बॉडी टर्न हुए, लेग्स को सीधा पीछे रखा, प्लेस द पाम्स ऑन योर वेस्ट, स्ट्रेच योर स्पाइन अपसाइड, बैंड योर बॉडी फॉरवर्ड, बैंड योर, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, डोंट बैंड एंड डोंट मेक अ हंच इन योर बैक, डोंट बैंड योर नीज, मैक्सिमम स्ट्रेच करके रखना है और धीरे धीरे अप एंड डाउन 10 बार करने के बाद धीरे धीरे हाथों को जमीन पर रखने की कोशिश करना है, बैक शुड बी स्ट्रेट, लुक फॉरवर्ड। धीरे धीरे आप इस पोजीशन पे आना है, यहाँ पे भी 10 सेकेंड आपको होल्ड करना है। इस तरीके से आप फर्स्ट प्रैक्टिस को करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को एक बहुत ही अच्छे लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फर्स्ट प्रैक्टिस की सारी टेक्निक्स आपकी क्लियर होगी। अब मूव करते हैं यहाँ पे सेकेंड प्रैक्टिस की तरफ। सेकेंड प्रैक्टिस में क्या करना है दोस्तों,
ये जो पैर हैं इन पैर के बीच में शोल्डर लेवल डिस्टेंस बनाना है, जितना शोल्डर लेवल में डिस्टेंस है उतना ही लेग्स में डिस्टेंस होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। कम में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे अगर कर सकते हैं तो कम में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये इजी रहेगा आपको स्ट्रेच करने के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पैरों के बीच में इस तरीके से गैप बनाना है, ठीक है। आपको धीरे धीरे सेम आप बिना हंच बनाए ऐसे बैंड भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिगनर्स के तौर पे भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है, ओल्ड एज वाले भी जो भी हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आप बैंड हो जाइए नॉर्मल, अगर आपने पाम्स को ज़मीन पर रखने की कोशिश करना है, ठीक है। अगर आप नहीं रख पा रहे इट्स ओके, ब्रिक्स लीजिए, ब्रिक्स के ऊपर रखें, यहाँ पे भी नहीं रख पा रहे इट्स ओके, ऐसे रख सकते हैं, और यहाँ भी नहीं तो ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। जहाँ आप कंफर्टेबल है वहाँ पे रखिए, जहाँ पे आपको स्ट्रेच मिल रहा है। सेम चीज़, पैरों के पंजे हमारे बाहर की तरफ नहीं होने चाहिए, पैरों के पंजे अंदर की तरफ नहीं होने चाहिए, पैर बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ यहीं पे अपने हाथ नीज को हल्का सा बाहर की तरफ पुश कीजिए। अब मेरे यहाँ पे हिप्स की पोजीशन देखिए, इसको नीज को बाहर पुश किया और हिप्स को ऊपर की तरफ हमने इस तरीके से पीसी की तरफ से टर्न करने की कोशिश करी, सेम टाइम पर हमने अपने लोअर बैक को नीचे पुश किया। अब हमारा हंच जो बैक में बन रहा था वो ख़त्म हो गया, चाहे आप यहाँ पे कीजिए चाहे यहाँ पे, जहाँ पे भी आपका लेवल है वहाँ पे कर सकते हैं। ये इंटरमीडिएट यहाँ कर सकते हैं और जो बिगिनर्स यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आपने इस तरीके से स्ट्रेच किया, ये पुल किया, आपने बैक को पूरा स्ट्रेच किया हुआ है, यहीं से धीरे धीरे अपने हाथों को सामने स्ट्रेच कीजिए। बॉडी वेट टोस के ऊपर ज़्यादा शिफ्ट करना है, हंच नहीं बनाना बैक पे, सबसे पहले यहीं पे स्ट्रेट करना है। जब तक यहाँ पे स्ट्रेट नहीं होगा आपका बैक, तब तक आपको आगे मूव नहीं करना, चाहे आप ब्रिक्स के ऊपर कर रहे हैं चाहे कहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अपने लोअर बैक को नीचे की तरफ प्रेस करना है ऐसे, उसके बाद हाथ सीधे करने हैं। हाथ कहाँ तक लेकर जाने, जमीन से एक इंच ऊपर, जमीन पे टच नहीं करना, अगर टच कर लिए तो बॉडी वेट आगे शिफ्ट हो जाएगा, स्ट्रेचिंग नहीं मिलेगा। यहीं पे जमीन से एक इंच ऊपर हमें स्ट्रेच करना है मैक्सिमम एंड मेंटेन करना है। आप गर्दन दोनों हाथों के बीच में भी रख सकते हैं, सामने भी देख सकते हैं, इस तरीके से आपको करना है। कुछ मिस्टेक्स यहाँ पे ये होते हैं कि हमारे जो नीज होते हैं स्ट्रेच करते समय हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हैं, फोल्ड नहीं करना किसी भी कंडीशन में। सेकंड चीज़, हमें टच नहीं करना, अगर आप टच कर रहे हो तो बॉडी वेट शिफ्ट हो जाएगा हाथों के ऊपर, जो कि गलत है। इसलिए आपको पैरों के पंजों पे बॉडी को देखिए, एक तो ये पोजिशन है, देखो मेरे हिप्स पीछे है और एक ये पोजिशन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा आपकी प्रैक्टिस में अगर आप बॉडी को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, टोस के ऊपर लगाते हैं बजाय कि बैक साइड में। इफ़ यू आर शिफ्टिंग योर बॉडी वेट ऑन द बैक साइड यू विल फील लेस स्ट्रेचिंग इन योर हैमस्ट्रिंग मसल, बट इफ़ यू आर सेम टाइम इफ़ यू शिफ्ट योर बॉडी वेट ऑन योर टोस एंड डूइंग स्ट्रेचिंग यू विल फील मोर स्ट्रेचिंग योर हैमस्ट्रिंग मसल। सेकेंड थिंग, जस्ट पुश योर हिप्स आउटसाइड एंड लोअर बैक डाउन साइड एट द सेम टाइम, तभी आपको एक अच्छे लेवल का स्ट्रेच मिल सकता है जिससे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी सेकंड जो प्रैक्टिस है इसकी भी जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। अगर अभी भी कुछ डाउट्स हैं आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके ऊपर इसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको सोल्व करूँगा। थर्ड प्रैक्टिस वेरी सिंपल, देखिए हमें 180 स्प्लिट खोलने की ज़रूरत नहीं है, बैठ के प्रैक्टिस करना है, सिंपल प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए मैंने दोनों पैरों के बीच में अराउंड 150 डिग्री का एंगल बनाया, सिंपल, बहुत ज़्यादा स्प्लिट खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप 150 डिग्री का एंगल, उससे भी कम होगा कोई बात नहीं, बस पैरों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बनाना है, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी सेंटर में मूव हो सके। देखिए ये डिस्टेंस आपको पता चल गया, अब नेक्स्ट चीज़ यहीं पर। अब अगर इंटरमीडिएट लेवल के, इंटरमीडिएट से एडवांस जा रहे हैं तो क्या करेंगे, हील्स के नीचे ब्रिक्स को रख लेंगे और नी को नीचे प्रेस करेंगे, ये हैमस्ट्रिंग मसल्स में स्ट्रेचिंग और बढ़ाएगा। लेकिन जो बिगिनर्स हैं अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो ज़मीन पर रख सकते हैं, मैं ज़मीन पर रख कर दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें नीज को नीचे प्रेस करना है, दोनों हाथों से टोस को पकड़ने की कोशिश करना है और सबसे पहले अपने चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए छत को देखना है, चेस्ट एक्सपेंड बट लोअर बैक यू हैव टू बी पुश इट इनसाइड एंड हिप्स रोल इट बैक साइड, हिप्स को पीछे की तरफ रोल करने की कोशिश करना है, टर्न करने की कोशिश करना है, लोअर बैक को अंदर की तरफ प्रेस करना है, चेस्ट को एक्सपेंड करना है एंड लुक टुवर्ड्स द रूफ, ऊपर की तरफ देखना है, टोस को पकड़ा और ऊपर की तरफ ऐसे देखना, सबसे पहला काम। और नी फोल्ड नहीं होनी चाहिए, नी बैंड रहनी चाहिए। अब बहुत सारे प्रैक्टिशनर क्या होगा कि वो पैरों के पंजे को नहीं पकड़ पाते, मुझे लगता है कि वैसे तो पकड़ लेंगे क्योंकि हम स्प्लिट ज़्यादा नहीं खोल रहे हैं, लेकिन अगर पकड़ नहीं पा रहे हैं तो बेल्ट ले सकते हैं, जस्ट टाइप द टोस एंड ग्रिप द बेल्ट, बेल्ट की हेल्प से भी कर सकते हैं।
बेल्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, बेल्ट आपके पास नहीं है, रुमाल यूज कर सकते हैं, रुमाल भी नहीं है, तो अपने एंकल को पकड़ लो, एटलीस्ट जस्ट एंकल को पकड़ो, पुश करो अपनी लोअर बैक को इनसाइड में, और इस तरीके से कर सकते हो। वैसे अगर फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर ली तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप अपने टोस को इस तरीके से पकड़ सकते हैं। इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड प्रैक्टिस बहुत इफेक्टिव है, उसको अच्छे से कीजिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमें इस तरीके से ये स्ट्रेच करना है। अब यहीं से अपने ब्रिक्स को सामने इस तरीके से रखना है, और रखने के बाद हमें लोअर बैक को इस तरीके से पुश करना है, ये ठीक है। हिप्स को बाहर की तरफ पुश करेंगे और लोअर बैक को नीचे की तरफ पुश करेंगे। लेग शुड बी स्ट्रेट, धीरे 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 बैक को स्ट्रेट रखते हुए, बैक को स्ट्रेट रखते हुए, हिप्स को बाहर पुश करते हुए अपने पेट को टच करने की कोशिश करना है। दोस्तों जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं और आप अगर पहले हेड को टच करने की कोशिश कर रहे हो तो बैक में हंच बन रहा है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा और अपग्रेड करते हैं, अगर आप चेस्ट को भी टच करने की कोशिश कर रहे हो तब भी लोअर बैक में हंच बनने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एब्डोमिनल इस वाले पेट वाले पोर्शन को यहाँ टच करने की कोशिश कर रहे हो तो 100% हंच बनने की जो संभावनाएं होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए आपको हाथ को यहाँ पे सामने रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं रखिए, लेकिन आपको कोशिश करना है कि जो पेट वाला पोर्शन है इसको इस तरीके से ज़मीन की तरफ लेकर जाओ, तभी बैक में जो हंच बन रहा है वो रिड्यूस होगा। सेम टाइम पे हमारा प्रैक्टिस करते हैं, आपने भी नोटिस किया होगा कि जो टोज़ हैं ये नीचे जाते हैं, ये नहीं जाना चाहिए, टोज़ हमारे ऊपर रहने चाहिए। टोज ऊपर रहेगा तो हमारे हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच बढ़ेगा, लेकिन अगर टोज नीचे जाएगा तो हमारे नीज और थाइज भी इस तरीके से रोल हो जाएंगे, और जो कि स्ट्रेचिंग को थोड़ा कम कर देते हैं। इसलिए स्ट्रेचिंग को प्रॉपर देने के लिए हमें टोज को ऊपर स्ट्रेच करके रखना और बॉडी को इस तरीके से आगे फ्लैट करना ताकि बैक में जो हंच है वो रिड्यूस हो सके। ये हमारी थर्ड प्रैक्टिस थी, बहुत ही सिंपल। उम्मीद करता हूँ आपके जो जितने भी डाउट्स थे वो कम हो गए हैं, ठीक है। अब यहीं से फोर्थ प्रैक्टिस हमें करना है जानुशीर्षासन की पोजिशन में। जानुशीर्षासन की पोजिशन में हमें आना है, इस लेग्स को फोल्ड करके हील को अपनी पेरिनियम के क्लोज रखना है बिल्कुल, ठीक है। पेरिनियम के क्लोज रखना है, जो इंटरमीडिएट से एडवांस की तरफ कर रहे हैं या फिर इंटरमीडिएट लेवल के प्रैक्टिस ना जो इसको आसानी से कर लेते हैं वो हील के नीचे ब्रिक्स को रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आपको स्ट्रेचिंग और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, अदरवाइज आप ज़मीन पर कर सकते हैं। करना क्या है, यहाँ पर इस तरीके से लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे। अगर इनिशियली जो लोग अपने टोस को डायरेक्टली नहीं पकड़ सकते, हल्के से लेग्स को फोल्ड कर लो, टोस को ग्रिप करो, बैक को ऊपर खींचो, हंच मत बनाओ, और धीरे धीरे लेग्स को पुल करने की कोशिश, मतलब लेग्स को धीरे धीरे बाहर की तरफ खींचने की कोशिश। देखो हल्के से फोल्ड है, आपकी बैक स्ट्रेट है, और यहीं से बाहर की तरफ पुश करनी है, धीरे से वापस, धीरे धीरे। जितना आप में संभावनाएँ हैं करने की, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। सिंपल थिंग ये। अब अगर जिसका पैर यहाँ पे हाथ इस तरीके से ग्रिप हो जाता है उसको कैसे करना है आगे, हमें बॉडी को इस तरीके से स्ट्रेच करना है, इनहेल एक्सहेल डाउन। अब यहाँ तक जाके हंच बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से ये जाइए, यहाँ तक अगर आपका हंच नहीं बन रहा है वापस आइए, फिर यहीं जाइए, फिर वापस आइए, फिर यहीं जाइए, इस तरीके से आपको 10 बार अप एंड डाउन मूवमेंट देना है बाय कीपिंग योर बैक स्ट्रेट। बैक मस्ट बी स्ट्रेट, अगर बैक में हंच है तो स्ट्रेच कम हो जाएगा, इसलिए बैक को स्ट्रेट रखना है इस तरीके से, ठीक है। लास्ट में मान लीजिए आपने पकड़ा बॉडी को इस तरीके से, अगेन हमने लोअर बैक को अंदर की तरफ पुश किया, एल्बोज को एक्सपेंड किया, कोशिश किया कि अपने पेट को टच किया, देन चेस्ट को टच किया, एंड देन चिन को टच किया। एक टाइम पे लोअर बैक में हल्का हंच आएगा क्योंकि आपको बॉडी को फोल्ड भी होना है, लेकिन इनिशियली आप हंच बनाते हुए नीचे नहीं जाएंगे, तो आपको आदत हो जाएगी कि आपके हंच है, बैक पुल नहीं होगा, रिच नहीं बनेगा, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज नहीं होगा, हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेचिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। अगर आप सिंपल इस तरीके से देखिए, सिंपल अगर इस तरीके से पकड़ के भी खींचते हैं ना तो आपको हल्का हल्का यहाँ पे स्ट्रेचिंग फील होगा, क्यों, क्योंकि आप प्रॉपरली कर रहे हैं, लेग स्ट्रेट हैं, बैक स्ट्रेट है, अपने लोअर बैक हल्का सा पुश किया हुआ है, हिप्स को बाहर की तरफ टर्न किया हुआ है, शोल्डर आपने अच्छे से पकड़े हुए हैं, सामने देख रहे हैं, हर एक चीज़ प्रॉपर है, तो थोड़ी चीज़ों में भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरीके से आपको ये फोर्थ प्रैक्टिस करना है। फिफ्थ प्रैक्टिस कैसे करना है, यहीं से हमने एक लेग को फोल्ड किया, बैक को स्ट्रेट है, ठीक है, दूसरे लेग्स को भी फोल्ड किया हमने, ये वाले पैर को आपको थाइज के नीचे रख सकते हैं बैलेंस के लिए, ये वाले लेग्स को हमें इस तरीके से फोल्ड किया, बैक स्ट्रेट किया, टोस को पकड़ा, इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया, धीरे से वापस आए, फिर ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया, धीरे से वापस आए, फिर ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया। फ्रंट व्यू देखिए, जो हमारा फ्रंट व्यू है, ये पकड़ा हमने, ये इसको ऐसे पुल किया। कुछ प्रैक्टिशनर की गलती ये होती है कि जो बॉडी है उनकी ये लेग्स इस तरफ निकल जाता है, क्यों, क्योंकि अगर आप इस तरफ रखते हैं तो स्ट्रेच थोड़ा बढ़ता है।
आपको जो लेग्स की पोजीशन है ये बिल्कुल सामने होना चाहिए, ठीक है, सामने होना चाहिए, साइड में नहीं होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ साइड से देखिए। अब कुछ प्रैक्टिशनर क्या करते हैं कि पीछे की तरफ इतने चले जाते हैं और लेग स्ट्रेट कर लेते हैं, इससे क्या हो गया, हंच बन गया, यहाँ पे स्ट्रेच था वो रिड्यूस हो गया, बजाय इसकी कि आपको यहाँ पे लेकर जाने के लिए आप पीछे की तरफ हंच बना लिया, आप यहीं रहिए, बॉडी स्ट्रेट रखिए और यहाँ पे स्ट्रेट कीजिए, इट्स ओके। स्टार्टिंग में आप यहाँ स्ट्रेट भी कर रहे हैं ना, आपको यहाँ पे स्ट्रेच रहेगा क्योंकि आपने इस पोर्शन को स्ट्रेट रखा है, लेकिन अगर आपने इस पे हंच बना लिया तो आप यहाँ भी लेकर जाओगे तब भी स्ट्रेच कम रहेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो बैक है वो स्ट्रेट हो, बैक जितनी हो सके पुल करके रखो, जितना आप बैक्स को पुल करके रखोगे उतनी आपकी स्ट्रेचिंग इंक्रीज होगी। तीसरी चीज, ये जो लेग्स की पोजिशन होती है ना, ये इसको इधर नहीं रखना, इसको इस तरफ रखना है, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस ना क्या होगा कि वो स्ट्रेच करने के लिए यहाँ से पकड़ के कर लेंगे, लेकिन ये पोर्शन ऐसे रखेंगे, इससे ये यहाँ पे जो हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेचिंग है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसको स्ट्रेच प्रॉपरली रखने के लिए आपको यहाँ पे इंटरलॉक करना है और इस तरीके से स्ट्रेच करना है। सामने देखिए, टोस को देखिए, बैक हमेशा पुल करके रखें, लोअर बैक को अंदर की तरफ पुश करके रखें, बैक स्ट्रेट रखें, ठीक है, और धीरे 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 इस तरीके से आप ले जाकर अपने फोरहेड को यहाँ पे टच कर सकते हैं। इस तरीके से ये पांचों प्रैक्टिस को करके आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को एक अच्छे लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं। ये पांच प्रैक्टिस बहुत ही सिंपल है, अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, तब तक इस वीडियो को देखते रहे, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के सपोर्ट के लिए, और जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ, धन्यवाद।